वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक्सट्रीम कंपनी का 2.1 कैटेगरी में होम थिएटर सीरीज है, टावर स्पीकर है और मॉडल है इसका FL6। एफिल की पूरी सीरीज एक आती है, FL1 से लेके 8-9 तक आती है और लेकिन अभी जो रीलॉन्च किए उन्होंने दोबारा उसमें टावर सीरीज में इन्होंने FL6 और FL8 को इन्होंने लॉन्च किया है। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं FL6 की। दो इसमें टावर स्पीकर आपको मिलते हैं इस पैकेट के अंदर आता है, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका साउंड डेमो लेंगे और रिव्यू, प्रोडक्ट का भी रिव्यू, साउंड का भी रिव्यू, प्राइस अपडेट, सब चीज़ें आपको साथ देंगे। तो सबसे पहले हम इसके सबवूफर को खोल लेते हैं बाहर और सबवूफर में से देख लेते हैं क्या क्या सामान निकलता है। प्राइस अपडेट हम इसका ज़रूर देंगे आपको। एक चीज़ जो मुझे इसमें नज़र आ रही है, मैं इसको पैकेट को खोलने से पहले आपको बताया, तो इसमें जो रिमोट मुझे नज़र आ रहा है वो इक्वलाइजर बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर बेस और वॉल्यूम कंट्रोल नहीं होगा। अगर ये हुआ तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होगा, मिसहैप हो जाएगा ये, तो मकसद है कि साउंड हम फिर अच्छा नहीं बना सकेंगे इसका। तो जो हमें सुनवाएगा हमारा इक्वलाइजर, बस फिर वही सुन पाएंगे हम। तो बहरहाल इसको खोलते हैं, देखते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि इसके अंदर से बेस और ट्रेबल की कंट्रोलिंग निकल आए। ओके जी, ये हमने निकाल लिया सामान और सबसे पहले इसके कंटेंट्स देख लेते हैं क्या क्या सामान है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। एक अदद आपको इसके अंदर से रिमोट निकला है जिसमें तमाम तरह फंक्शन है लेकिन बेस और ट्रेबल कंट्रोल नहीं है, इक्वलाइजर है इसके अंदर। ओके जी, क्लियर हो गई ये बात। 1 ईयर की वारंटी है इसमें और एक्सट्रीम की वारंटी का कार्ड है। 1.2 की इसकी केबल है, स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है। अगर आपने टीवी के साथ लगाना है तो वायर थोड़ा अच्छी क्वालिटी की ले लीजिएगा आप। ये डीसी सेट है, यानी कि आप बैटरी से भी इसको चला सकते हैं। एसी डीसी सेट ये कहलाए जाते हैं, यानी कि एसी से भी चलता है और डीसी से भी चलता है। तो ये केबल भी इसके अंदर आपको ये मिल गई है, यूज़र मैनुअल गाइड आपको मिल गई है और ये इसकी प्लेट्स हैं। अबे यार ऐसा तो नहीं करो ना यार, क्या करते हो आप लोग। देखो यार ये तो मैं कोई बाजार से यार सौदा सरफ थोड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। ये देखो क्या है यार, बाजार के आपने शॉपर इसके अंदर डाल दिए। थोड़ी सी आदमी कंपनी का एक मियार होता है और अपने थोड़े से अपने नाम को ना अपने जिंदा रखे आदमी। ये क्या किया आपने यार, ये शॉपर दे दिए, यानी कि इससे लग रहा है कि लोकल यहीं पे कहीं पे गली मोहल्ले में पैक होके आया है ये। थोड़ा सा यार आप क्या करेंगे, देखें ये भी शॉपर आ गया। बहरहाल अगर दूध लेने के लिए जाना हो और अगर नागौरी वाला आपको दूध ना दे, थैली ना दे, तो आप ये थैली इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, ये इसकी प्लेट्स हैं जो कि आपके टावर स्पीकर इस पर कनेक्ट होंगे, वो भी हम लगा देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। दो प्लेट्स हैं इसके अंदर। अब इसका सबवूफर खोल लेते हैं। ये आ गया भाई आपका सबवूफर और सबवूफर का आप सामने से लुक देख सकते हैं। सामने से डिजाइनिंग में तो मैं कह रहा हूँ, डिजाइनिंग में तो इनको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। आर्ट्स की अगर कॉलेज में इनको दिखा दिया जाए और आर्ट्स कंपटीशन हो तो एक्सट्रीम को 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे डिजाइनिंग के अंदर। लेकिन परफॉर्मेंस है मेन चीज़ ना, जिसके पे किए जाते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस सुनेंगे। डिजाइनिंग अच्छी है यहाँ पे पूरे में, इन्होंने आप देख सकते हैं लाइटिंग दी हुई है वॉल्यूम के साथ इन्होंने। और सेकंड पूरा सामने से ग्लॉसी है, पियानो ब्लैक है, शाइनी है पूरा। ये इसका वॉल्यूम आ गया है और वॉल्यूम गरारी बेस्ड है। अब ये देखना है कि ये जो वॉल्यूम है ये सेम बिहेवियर करता है जैसे कि पुराने सेट्स हमने जो अभी अनबॉक्सिंग की है लास्ट में, तो उसमें भी यही था कि ये काम नहीं करता। काम जो है वो बटन से हमें करना पड़ता है। ये जो बटन है सारे यहाँ पे इन्होंने बटन्स लगाए हुए, देख सकते हैं आप सेटिंग सारी इसकी। साइड में इसका वूफर है और सब वूफर इसमें, सॉरी मैंने 8 इंच का बोला था, इसमें 6.5 इंच का सब वूफर है और 8 इंच का नहीं है, 6.5 इंच का सब वूफर है। और बैक साइड पे हम देख लेते हैं, तो बैक साइड पे हमें एक नई चीज़ हमें नज़र आ रही है।
ये देखें बैक साइड पे आपको ऑप्टिकल इनपुट नजर आ रही है इस जगह पे, ये ऑप्टिकल इनपुट आप लगा सकते हैं, और लाइन इन वन लाइन इन टू, यानी कि लाइन इन में आप इनपुट में आप कंप्यूटर डीवीडी टीवी कुछ भी लगा सकते हैं, आउटपुट में आपके स्पीकर्स लगेंगे, ये आपके एफएम का एरियल आ गया है, ऑन ऑफ आ गया, और ये डीसी का कनेक्शन आ गया है। ठीक है जी, नीचे इसकी हील्स दे दी इन्होंने ताकि ये ऊंचा उठा रहे। एक दफा आप फिर देख लें इसका पूरा व्यू अच्छे तरीके से। साइड कॉर्नर इन्होंने एजेस जो है वो कट शेप में दे दिए हैं। फिनिशिंग ठीक है, फिनिशिंग तो ओके है बिल्कुल, इसकी फिनिशिंग बेहतरीन है। अब हम अपने स्पीकर्स को खोल लेंगे। स्पीकर्स हमने निकाल लिए बाहर, और इसके अंदर से एक अदद ये शॉपर निकला है जिसके अंदर स्क्रू है और रबर के पैड्स हैं जो कि इसके नीचे आप लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे ताकि ये स्लिपरी ना हो। और सेकंड इसको बाहर निकाल लेते हैं, स्पीकर्स को भी। इनके जो सब ऊपर था वो पूरा लसानी एमडीएफ में बना हुआ था, और उसका जो गेज है वो तकरीबन 12 mm का है, 11 से 12 mm का है, बहुत ज़्यादा हैवी गेज नहीं है क्योंकि 6.5 inch का वूफर है, तो 6.5 inch के वूफर को इतने ज़्यादा गेज की ज़रूरत होती नहीं है। ओके जी, इसके ये सेटेलाइट स्पीकर्स हैं, और सामने इन्होंने प्लास्टिक का मटेरियल लगा दिया, और स्पीकर्स इसमें देख लेते हैं हम। स्पीकर्स इसके अंदर दो लगे हुए, और बाकी जो ट्यूटर के डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं वो डमी होते हैं, वो ट्यूटर नहीं होते हैं इसके अंदर। बाकी सेकंड पूरा ये एमडीएफ में बना हुआ है, जो प्लाई होती है लसानी की उसमें बना हुआ, और इसकी हाइट तकरीबन 2.25 feet के करीब होगी इसकी। तो फ्लोर स्टैंडिंग भी है ये, आप डिवाइडर पे भी लगा सकते हैं इनको। ये हमारा दूसरा सेट आ गया, अब इनकी प्लेट्स वगैरह लगा के और फिर आपको साउंड डेमो देंगे और साउंड का रिव्यू भी आपको देंगे। प्रोडक्ट की फिनिशिंग बिल्कुल सही है, सिर्फ ड्रॉबैक यही है कि इसमें बेस और ट्रेबल नहीं है। ओके जी, हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, और NCS का हमने इस पर ट्रैक लगाया है जिस पर आपको साउंड सुनवाएंगे। वॉल्यूम इसका काम कर रहा है, और प्लस भी कर रहा है माइनस भी कर रहा है, ये हमने चेक कर लिया है। सामने RGB लाइट्स जो है वो डिज़ाइनिंग उसकी एक अट्रैक्टिव लग रही है, और ऑप्टिकल फंक्शन भी जैसे मैं बता चुका हूँ। पावर सप्लाई इसके अंदर यूनिवर्सल है, 110 से 220, और DC वगैरह सारे इसके अंदर कनेक्शन मौजूद हैं। तो साउंड डेमो की हम तरफ चलते हैं, साउंड डेमो के बाद साउंड का आपको रिव्यू देते हैं। साउंड डेमो हमारा कंप्लीट हो गया है, दो ट्रैक्स पे मैंने आपको साउंड डेमो उसका दिया है, और आप टीवी के साथ लगाएंगे अच्छा मज़ा देगा आपको। आप अगर कंप्यूटर के साथ लगाना चाहते हैं या अलग से रख के भी सुनना चाहते हैं तो साउंड क्वालिटी बेहतर है, और प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। दो टावर स्पीकर आपको मिल रहे हैं, एंड सेकेंड आपको 6.5 inch का सबवूफर मिल रहा है, और तमाम तर फंक्शंस के साथ है, ऑप्टिकल के साथ है। तो प्राइस जो अपडेट है इसका वो तकरीबन 20,500 रुपये और या 21,000 तक में भी आपको मिल सकता है मार्केट में। तो ओके, आप ले सकते हैं, सेट अच्छा है, एक्सिम कंपनी का Apple 6। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।